मुझे अंदाजा होता कि इस चीज की मुझे एंजाइटी थी, मुझे इस चीज की एंजाइटी किस बात की, उसके बगैर मैं 4 महीने से ठीक है, फंक्शनिंग हूँ, सही हूँ, मतलब कोई फौत नहीं हो गए हम लोग ठीक है, कोई फौत नहीं हो गए हम लोग ठीक है. We're talking about mind management now, and we'll talk about the mental aspect of it. Or, mera zati, like it's my belief, it's ki mera iman hai. Ye jab hum control mein kar lena, to dunya ki sari jo masail hain, wo in check aa jaate hain. Unko hum behtar tarike se sar anjaam de sakte hain. Taming this monkey, taming the mind. Every human gets daily basis pe usko 60,000 different thoughts aati hain. Aur unka direction kya hai? Aur किस सेगमेंट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू केम टू नो कि यार आपको हो गया वायरस और आपने आइसोलेशन करना, तो जो 14 दिन यू आर स्टक इन अ रूम, आप एक घर के किसी कोने में आप बंद हैं, आप इससे मिल नहीं सकते, आप कुछ, देयर इज, यू आर जस्ट आइसोलेटेड. हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ सेनर ड्यूरिंग? अच्छा, मेरी, मुझे लगता है चूंकि मैं एक लार्जर पिक्चर में देखती हूँ कि मेरी जर्नी थोड़ी आसान थी, क्योंकि खाली मैं और मेरे खावंद हैं, मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं था. यू नो, इन कुछ केसेस में लोगों की औलाद होती है, बूढ़े घर में रहने वाले होते हैं, उनकी एडेड एंग्जाइटी होती है, तो मेरे लिए रिलेटिवली ये पार्ट आसान था. शुरू के 5-6 दिन तो ठीक होता है, इन अ वे के आप कहते हो सही है, मेरी बॉडी रिलैक्स कर रही है, मैं अपने पसंद का जो भी, आप, मैंने बहुत ज़्यादा टेलीविजन सीरीज़ देखी इस दौरान, बहुत ज़्यादा फनी फिल्म्स देखी, पंजाबी जो कॉमेडी फिल्म्स हैं वो देखी. अच्छा, कुछ लोग होते हैं उनकी कोई और एक्ट, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, उनको उसमें सॉलेस मिलता है, वो करें. कुछ लोगों ने मुझे भी कहा कि आप इबादत भी कर लेती, ठीक है, अच्छी बात है, जिन लोगों को इबादत में सॉलेस मिलता है वो कीजिए. जिस आपको, जिस दिल में, चीज़ में आपका दिल लगता है, आप वो कीजिए, अपने दिमाग को कहीं बांटें, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू. या आपके पास आपका, जैसे कहते हैं ना, क्वालिटी टाइम है जो सिर्फ आप अपने साथ गुजार रहे हैं, तो आपने इसको कैसे करना है, इस पर 100% आपका अपना इख्तियार है. इस वक्त आपको कोई बाहर से आके नहीं बता रहा कि आपने ये करना है, वो करना है. जो अब आप जो चॉइस करें वो सोलली आपकी होगी ना. ये तक कितना चांस मिलता है आपको जिंदगी में ऐसे करने के लिए? तो इन 14 दिन को आप ऐसे सोच लीजिए, 5-6 दिन के बाद ना, हम लोग इंसान बने नहीं है ह्यूमन कॉन्टैक्ट के बगैर रहने के लिए, जिसमें आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो, चाहे वो आपकी औलाद हो, फ्रेंड हो, हस्बैंड, कुछ भी हो सकता है ना. आपने एक फिजिकल टच की अपनी, ये मुझे बड़ा शिद्दत से एहसास हुआ 6-7 दिन के बाद कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इस पर ये आपको फिर फील होना शुरू हो जाता है कि हम नहीं इसके लिए बने. अब मेरे खावंद आते थे मुझे से बाहर बैठ के, कुर्सी रख लेंगे खिड़की के उस पार, हम बातें करते थे कुछ देर के लिए, फिर वो चले जाते थे. बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई आपके साथ उस वक्त बात भी करे. आपके पास फोन है, अगर आपके किसी फ्रेंड को हो गया तो प्लीज उसे मैसेज कीजिए, उसे कॉल कर लीजिए, उसको अच्छा लगेगा फ्रैंकली. फिर उसके अलावा ना, टोटके जो है ना, अनवेरीफाइड मत फॉरवर्ड कीजिए. एक वो बड़ा ही मशहूर टोटका है सना मक्की वाला, वो लैक्सेटिव है, प्लीज उसको मत लीजिएगा. बहुत सारे लोगों ने इनको लिया, वो अस्पताल पहुंच गए डिहाइड्रेशन की वजह से. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस टोटका, क्योंकि आई एम नॉट अवेयर. हाँ, ये सना मक्की के भी वो पत्ते हैं जिनको उबाल के कहते हैं कहवा पी लें तो कोविड खत्म हो जाता है. ये गलत बात है. बहुत सारे लोगों ने मुझे मशवरा दिया, पढ़े लिखे इन्फॉर्म लोगों ने भी, दिस इज रॉन्ग. वो लैक्सेटिव होता है, वो आपके जाके अंदर डिहाइड्रेशन कर देता है. ऑलरेडी आपके जिस्म में पानी नहीं है, नमकियात नहीं है, आप एडिड फ्लूइड्स ले रहे हैं, उसमें अगर आप ये लैक्सेटिव लेंगे तो आपको, आप अस्पताल भी खुदा ना खास्ता जा सकते हैं. लोग गए हैं, डॉक्टर मेरे फ्रेंड्स ने बताया है, उनके पास लोग आए हैं ये पीकर, राइट? सो लैक्सेटिव बेसिकली आपको डिहाइड्रेट करता है. और कोविड किसी कहवे से नहीं जाएगा, कोविड एक वायरस है, उस पर कोई कहवा असर नहीं करता, वरना पूरी दुनिया कहवे पी पी के इसको भगा चुकी होती. 7वें-8वें दिन के बाद ना, कभी 2-3 दफा ऐसे मरे ले आ जाए, मुझे लगा कि बस अब मैं जा, मतलब मैं निकलने लगी हूँ. 14th डे मैंने जो टेस्ट पॉजिटिव दोबारा आ गया ना, मैंने कहा यार मुझसे नहीं हो रहा, मतलब बिकॉज मैंने मेंटली अपने आप को पेस ही नहीं किया. So 14 days after the result came out positive again. मैं, मुझे 20 दिन लगे. अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए कि हो सकता है 14 दिन के बाद भी नेगेटिव ना आए टेस्ट, पॉजिटिव भी आ सकता है. सो यू नो, ये जैसे मैंने 14 दिन सोचा हुआ था, तो मैं 14 दिन की प्लानिंग करके बैठी हुई थी, उसके बाद एक एक दिन जहर लग रहा था, क्योंकि मेंटली रेडी नहीं थे. आपको फिर अंदाजा होता है ना कि यार ये दिमाग का गेम है सारा. कीपिंग द माइंड इन चेक इज आल्सो अ वॉर ऑन अ डेली बेसिस. अपने थॉट्स को पॉजिटिविटी की तरफ, अगर आपको क्यूट पपी वीडियोस देखनी है वो देखिए. एग्जैक्टली, आपको बिल्लियों की वीडियोस देखने से खुशी मिलती है. मुझे, मैं अपनी नीसेस की वीडियोस देखती रहती थी,
यू नो द सॉर्ट ऑफ थेरेप्यूटिक इट गिव्स मी हैप्पीनेस. सो वट एवर वर्क. और एक दूसरे को जज करना छोड़ दें. किसी के लिए कोई चीज काम कर रही है तो ठीक है, उसको उससे खुशी मिल रही है, मिलने दीजिए. अगर आपको लगता है कि नहीं आपको चूंकि इससे खुशी मिलती है तो अगले को भी उसी से खुशी मिलनी चाहिए. दिस इज द रॉन्ग एटीट्यूड. आई थिंक कोविड समय सीख लेना चाहिए अभी तक कि भाई कुछ पता नहीं है जिंदगी का. कुछ नहीं पता. अपने आइडियाज लोगों पर थोपना छोड़ दें. आप उन्हें उनकी मर्जी से जिंदगी जीने दें. Sometimes there will be days, there will be times जहाँ पे fear and anxiety will kick in. It's inevitable. बीच में there were 2-3 days जो बहुत dark थे. Again because मैं 8th दिन I was in my self isolation and my mom passed away. या मैं आपको बताऊँगी क्योंकि मैं COVID positive थी, मैं उनके funeral पे नहीं गई क्योंकि वहाँ पे मेरे वालिद साहब और बहुत सारे और लोग थे. मैंने स्काइप से वीडियो से वो उस फ्यूनरल देखा. बड़ा मुश्किल फैसला था ये, लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि मेरे घर में और बहुत सारे लोग हैं जो उससे इन्फेक्ट हो सकते थे. सो आई डिडंट गो. 2-3 दिन बहुत डार्क टाइम था, लेकिन इस दौरान जो लोगों की सपोर्ट होती है, लोगों के मैसेजेस, लोगों की बातें होती हैं, उसने बड़ा मुझे मदद की. देयर वर डेज व्हेन आई वुड नॉट 2-3 दिन में आई वुड नॉट गेट अप फ्रॉम द बेड होल डे. मतलब आप सुबह उठे हैं, बस आप लेटे हुए हैं और आप यू आर स्टेयरिंग एट द वॉल एंड यू आर थिंकिंग अबाउट यू नो. पर इट्स ओके. इसमें ये भी हमें अपने ऊपर प्रेशर तारी नहीं करना कि नहीं हमने हर वक्त खुश हर वक्त जी रहना. हमने जो ये इमोशन है, जो ये कंडीशन है, इसको आपने एम्ब्रेस करना. ये एक अनयूजुअल सूरत हाल है, इट्स नॉट नॉर्मल. अगर आप ये कहेंगे नहीं नहीं मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं तो आई विल डू इट, इट्स ओके. समटाइम्स इट्स ऑल राइट टू नॉट बी ब्रेव अबाउट इट एंड इट्स ऑल राइट टू नॉट बी ओके एंड एक्सेप्ट इट. This is my moment of weakness. I don't feel okay right now. Putting up a brave face all the time is not possible. Embrace कीजिए अपने grief को भी, अपनी anxiety को भी, और उससे फिर उसके इर्द गिर्द navigate करें. उससे कैसे deal करना है वो learn करें. राइट. तो ये मैं कहूँगी जी 20 दिन बहादुर थी, सब कुछ ठीक था. नहीं, कुछ दिन थे जो ठीक नहीं थे, और उसमें फिर आप यू वर्क अराउंड दोज डेज. लेकिन इसका क्या मतलब है कि फिर हम हिम्मत छोड़ दें? नहीं, उसमें फिर आप रस्ते ढूंढते हैं कि मैंने इसमें से यू नो बाहर क्या करना है, किस तरह से करना है. कोरोना वायरस हो जाना बजाते खुद एक बहुत बड़ा खचका है. किसी को भी होगा तो इट्स ऑलरेडी एक स्टेट है. उसके साथ हर इंसान के पेरेंट्स बहुत, हर इंसान को बहुत कीमती होते हैं. और उसके साथ अगर आपके खुदा न खास्ता पेरेंट की भी डेथ हो जाए, सो यू गॉट इन्फेक्टेड एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपके ऊपर लाइक पहाड़ टूट गया ना, एवरीथिंग इज क्रैशिंग ऑन यू. और उस इट्स वेरी पेनफुल एंड यू कॉन्ट इवन, आप जनाजे पर भी नहीं जा सकते और आप अपने फादर को भी नहीं देख सकते. आप नहीं कर सकते हैं बिकॉज यू आर इन्फेक्टेड नाउ. इट्स दिस इज वॉट लाइफ एक्चुअली इज. ऑल दिस टाइम जहाँ पे हम बात करते हैं, न्यूट्रिशन प्लेज अ पार्ट, फिजिकल एक्टिविटी प्लेज अ पार्ट, और आपकी डेली बेस के जो रिचुअल्स हैं, इवन इफ यू रीड अ बुक और लिसन टू पॉडकास्ट और एनीथिंग और हैव अ फ्रेंड और अ पार्टनर जिसके साथ आप इस तरह की कोई इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग बातें कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. सो दैट बिल्ड्स दैट मसल. इट्स जस्ट लाइक यू नो डूइंग योर पुशअप्स. यू कैन नॉट आउटसोर्स देम. You have to do the push-ups. You have to do the mental game build-up while going through all this journey, this ordeal in itself. कोई life-changing decision आपने लिया? ज़िंदगी में बहुत गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जो अब इन 3 महीनों में मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये अपनी ज़िंदगी मैंने ये क्यों कर रही थी, ये क्यों मैंने इंक्लूड किया है, ये मैं ख़र्चा क्यों कर रही थी, ये चीज़ मैंने किस लिए की. अब मुझे समझ में आ गई कि ज़रूरी क्या है और गैर ज़रूरी क्या है. गैर ज़रूरी चीज़ों से मैं जितना अब उसको अपनी ज़िंदगी में परहेज़ कर सकती हूँ, दिस इज़ माई नेक्स्ट, जिसे कहते हैं ना एक लाइफ में जिसे अचीवमेंट अनलॉक्ड वाली बात है ना, कि ये ना हो कि 2-3 महीने बाद हम दोबारा नॉर्मल में आ जाएं और वो चीज़ें दोबारा हमें लगे. ये तो असेंशियल है, असेंशियल नहीं है, वो लग्जरी है. सो असेंशियल और लग्जरी में फ़र्क कीजिए और बस जस्ट फोकस ऑन द असेंशियल्स. लाइफ को अनकॉम्प्लिकेटेड बनाएं, सिंपल बनाएं. ये सारी चीज़ें जो हमने एक्स्ट्रा अपने ऊपर तारी की हुई हैं, जस्ट आई मीन अभी नहीं तो फिर कब? बिकॉज वो हर चीज़ अपने साथ एक एंग्जाइटी लेवल लेकर आती है. अब मुझे अंदाजा होता है कि इस चीज़ की मुझे एंग्जाइटी थी, मुझे इस चीज़ की एंग्जाइटी किस बात की, उसके बगैर मैं 4 महीने से ठीक है, फंक्शनिंग हूँ, है सही हूँ, मतलब कोई फौत नहीं हो गए, हम लोग ठीक हैं. सो ये चीज़ों के ऊपर आप तयन कर लीजिए. फिर ऑल्सो इट ऑल्सो टीचेज यू कि कौन से लोग आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, कौन से गैर ज़रूरी हैं, किन के ऊपर आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, किन के आपको और वक्त देना चाहिए है. इन लोगों का तयन भी होता है ऐसे सूरत हाल में आपके ऊपर. सो आई थिंक ये दो टेकअवेज मेजर हैं ज़िंदगी के अंदर. और मेरा फिटनेस चूँकि हमेशा से मुझे पसंद है, और यह सब मेरा मज़ीद ईमान पुख्ता हो गया है कि एक्सरसाइज, गुड डाइट,
इस पर मजीद और मेहनत करनी है, हर किसी को करनी चाहिए. कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी चीज की गारंटी नहीं है. वे कहेंगे जी भाई, लेकिन कोशिश तो करनी है ना, अपने प्रिवेंटिव मेजर्स तो लेने हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव मेजर्स तो लेने हैं ना, अगर छोड़ तो नहीं देना ना सब कुछ आपने. एग्जैक्टली, बिल्ड दैट मसल, बिल्ड करें अपने आप को, अपने खाने पीने का, अपने फिजिकल एक्टिविटी का, अपनी मेंटल हेल्थ का. जस्ट व्हेन यू बिल्ड दिस 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 एपरेटस, दिस एपरेटस विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. दिस एपरेटस विल द ओनली बॉडी यू हैव.